दोस्तों, आदि मानव के बारे में आज हम कितना जानते हैं कि यही ना कि वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, उन्होंने जंगलों में किन किन कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आदि मानव की कितनी प्रजातियां इस धरती पर मौजूद थी? दोस्तों, आपको बता दूं कि आज तक वैज्ञानिकों के पास इसका कोई सटीक जानकारी मौजूद नहीं है कि जिससे वो पता लगा पाए कि इस धरती पर आदि मानव की कितनी प्रजातियां मौजूद रही होंगी। क्योंकि दोस्तों, आज तक हम केवल उन्हीं प्रजातियों के बारे में जान पाए हैं जिनके अवशेष हमारे पास मौजूद हैं। दोस्तों, ऐसे ही 2013 में वैज्ञानिक तब दंग रह गए जब उन्होंने एक ऐसे आदि मानव के प्रजाति के अवशेष प्राप्त किए जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, हम बात करेंगे एक ऐसी आदि मानव प्रजाति के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि वो कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, उनका विकास कैसे हुआ। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम बात करेंगे आदि मानव की एक ऐसी प्रजाति के बारे में जिसे आज हम होमो नेलेडी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, होमो नेलेडी प्रजाति के अवशेष 2013 में साउथ अफ्रीका के राइजिंग स्टार क्यू में खोजा गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार आदि मानव की यह प्रजाति प्लेस्टोसीन काल के मध्य में यानी कि लगभग 2 से 3 लाख साल पहले के बीच मौजूद थी। इनके अवशेष के 737 अलग अलग टुकड़े खोजे गए थे। दोस्तों, इस गुफा में होमो नेलेडी के 15 जीवाश्म मिले थे जिनमें से कुछ मैच्योर थे तो कुछ एडल्ट भी शामिल थे। लेकिन हैरानी तो तब होती है कि आखिर इनके जीवाश्म गुफा के इतने अंदर तक पहुंचा कैसे। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि गुफा के जिस स्थान से यह जीवाश्म प्राप्त हुई थी, यह स्थान गुफा के 80 मीटर अंदर मौजूद है। दोस्तों, कई रिसर्चर ने इसके बारे में कई रिसर्च की लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया कि यह आखिर उतने गहराई में पहुंची कैसे। दोस्तों, केवल हमारे पास थ्योरी ही मौजूद है। हो सकता है कि यह किसी खतरनाक जानवरों के शिकार बन गए हो, क्योंकि उस जमाने में अफ्रीका के जंगलों में कई खतरनाक जानवर मौजूद रहे होंगे जिसे शायद आज तक हम नहीं जान पाए हो। अब दोस्तों, बात करेंगे कि ये आखिर दिखते कैसे थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार होमो नेलेडी बहुत ही छोटे कद वाले आदि मानव की प्रजाति थी। आपको बता दें कि इनकी ऊंचाई तकरीबन 4 फीट 9 इंच ही हुआ करती थी। और बात करें वजन की तो ये लगभग 39 से 55 किलो के बीच में हुआ करते थे। इनके दिमाग का आकार सामान्य आदि मानव से बहुत ही छोटा था। आपको बता दें कि इनके दिमाग का आकार केवल 460 से 410 सेंटीमीटर क्यूब के बीच में ही हुआ करता था। वहीं अगर बात करें होमो इरेक्टस की तो उनके दिमाग का साइज औसतन 950 सेंटीमीटर क्यूब हुआ करता था। दोस्तों, आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि होमो नेलेडी जिस काल में इस धरती पर मौजूद थे उस काल में केवल बड़े दिमाग वाले आदि मानव की प्रजाति ही मौजूद थी। तो आखिर कैसे इन्होंने सर्वाइव किया ये कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि छोटे दिमाग वाले आदि मानव की प्रजाति बहुत ही पहले विलुप्त हो चुके थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार होमो नेलेडी एस्ट्रेलोपिथिकस और अन्य होमो प्रजाति के हाइब्रिड हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके कंधों की बनावट एस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति से मैच खाती है और हाथों और पैरों का आकार अन्य होमो प्रजाति की तरह है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे और लंबी दूरी भी आराम से तय कर सकते थे। इनकी लंबी उंगली की बनावट ये भी दर्शाती है कि ये पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम थे और इनके दांत कुछ इस तरह है कि जिससे वह पौधों के जड़े या मांस खा सकते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस प्रजाति के बारे में और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर और भी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।